सो गाइस इस वीडियो को देखने के बाद आपकी हर वीडियो आपके ऑडियंस के लिए इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजफुल प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल होने वाली है, और आपके लिए भी केवल 7-8 मिनट आप इस वीडियो को दे देना, बिकॉज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपने नॉर्मल वीडियो को कैसे एक वैल्यूएबल कंटेंट बनाएंगे अपने ऑडियंस के लिए। और अगर आप एक नए क्रिएटर हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना, ये आप ही के लिए है। तो जैसा कि आप जानते हो, हमें पब्लिकली भी कुछ कहना होता है तो उसके लिए हमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी हम कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम ये क्लियरली बोल पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि हमें सब कुछ पता है क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कौन सा पॉइंट कब बोलना है, लेकिन नर्वसनेस की वजह से हम बहुत ज़्यादा स्पीचिंग के टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हम गलती कर बैठते हैं। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है स्क्रिप्ट राइटिंग। स्क्रिप्ट राइटिंग की हेल्प से हम अपने नर्वसनेस को तो कम नहीं कर सकते, हाँ लेकिन होने वाली मिस्टेक को सुधार सकेंगे और अपनी कमी को पूरी कर सकेंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, स्क्रिप्ट राइटिंग। वैसे तो स्क्रिप्ट राइटिंग 2 टाइप्स के होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट टू पॉइंट, और सेकंड है हमारा वर्ड टू वर्ड। पहले समझते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट को। इसमें अपने मन की बात की जाती है अपने पॉइंट के हिसाब से, मतलब जैसे आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट परफेक्ट स्क्रिप्ट फॉर यूट्यूब वीडियो। तो इस टॉपिक के हिसाब से आपको कुछ टॉपिक पॉइंट्स बनाने हैं अपने ऑडियंस के लिए, और आप इसे क्वेश्चंस भी कह सकते हो जो आपके ऑडियंस के सवाल होंगे, जिसका आप जवाब देने वाले हो अपने इस वीडियो में। जैसे आज के टॉपिक के हिसाब से मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, और गाइज एक बात का आपको खास ध्यान देना है, जो भी आपका कंटेंट या टॉपिक है उसे बनाने से पहले, रिसर्च करने से पहले आपको ये सोचना है कि जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपके ऑडियंस के फेवर में होना चाहिए। इट मीन्स आपको अपने ऑडियंस की नज़र से देखना है कि ये वीडियो मेरे लिए कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप अपने मतलब के लिए वीडियो अपलोड करते हैं तो वो ठीक नहीं है। तो ये है कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आज के वीडियो टॉपिक के हिसाब से फाइंड किए हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा हाउ टू डिसाइड ए टॉपिक, सेकंड है हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन, थर्ड है हमारा मेन कंटेंट, एंड फोर्थ कॉन्क्लूजन, एंड लास्ट फिफ्थ कॉल टू एक्शन। क्योंकि आप सभी के माइंड में इस टॉपिक से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन भी ज़रूर होंगे। इन पॉइंट्स के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, फिलहाल हम बात कर रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट के बारे में, जो कि स्क्रिप्ट राइटिंग का पहला पार्ट है। तो इन पॉइंट्स को आप अपने वीडियो में अपनी समझ के हिसाब से डिस्क्राइब करते हैं, मतलब आपने स्क्रिप्ट राइटिंग की है सिर्फ अपने पॉइंट्स टू पॉइंट की, आपने सिर्फ एक टॉपिक का मेन पॉइंट फाइंड किया है और जो भी उसे डिस्क्राइब करना है आपने वो सब नहीं लिखा है, सिर्फ आप उस पॉइंट को समझ के अपने मन से अपने वीडियो में डिस्क्राइब कर रहे हो। तो गाइज ये था हमारा पॉइंट टू पॉइंट, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करो या वीडियो को रीप्ले करो, आपको समझ आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अब समझते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग के सेकंड पार्ट वर्ड टू वर्ड को। इसमें यह होता है कि आपने ए टू जेड एक एक वर्ड अपने डायरी में एंट्री कर लिया है और बस वही आप रिपीट करोगे अपने वीडियो में, एक भी वर्ड आप एक्स्ट्रा नहीं बोलोगे जो फालतू है। और वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट राइटिंग का सेकंड पार्ट न्यू कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने कभी पहले वीडियो नहीं बनाया, या अगर बनाया भी है तो उन्होंने नया नया स्टार्ट किया, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उन्हें ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, तो उनके लिए वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट राइटिंग का सेकंड पार्ट बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से आप इसे ही यूज़ करना। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा स्क्रिप्ट राइटिंग का सेकंड पार्ट वर्ड टू वर्ड। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप वीडियो को रिप्ले करना या मुझे कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो अब बात करते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग को कैसे राइट करें। तो गाइस स्क्रिप्ट राइटिंग करने के लिए हमारे पास 5 पार्ट हैं, जिसे मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया था, अब मैं उसे क्लियरिफाई करता हूँ। सबसे पहला है हमारा हाउ टू डिसाइड ए टॉपिक। सबसे पहले आपको अपने वीडियो के लिए एक टॉपिक चूज करना होगा। आप किसी भी टॉपिक पर वीडियोस बना सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट हो और आपके ऑडियंस को उस वीडियो के लिए जानकारी चाहिए। अब समझते हैं अपने दूसरे पार्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन के बारे में। और गाइस एक मेन ज़रूरी बात मैं आपको बताने वाला हूँ, यूट्यूब खुद कहता है कि आपकी हर वीडियो को यूट्यूब ऑडियंस एटलीस्ट 15 सेकेंड, स्टार्टिंग के 15 सेकेंड तो देखता ही है। तो आपको अपने स्टार्टिंग के 15 सेकेंड में कुछ ऐसा बोलना है जिससे आपके ऑडियंस अटेंशन हो जाए आपकी फुल वीडियो देखने के लिए। इट मीन्स आपको कुछ ऐसा बोलना, जैसे मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था आपको कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजफुल होने वाली है, और जो भी आप कंटेंट बनाएंगे वो ऑडियंस के लिए भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाली है। तो ये आपको अच्छा लगा, इस जो स्टार्टिंग के मैंने 15 वर्ड्स बोले इसी को आपने फॉलो किया और आप अभी यहाँ तक कंटिन्यू हो।
तो YouTube यही कहता है कि कम से कम आप अपने स्टार्टिंग के 15 सेकंड में वो अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि आपके ऑडियंस फुल वीडियो को स्टार्टिंग से ही वॉच करे। तो गाइस टॉपिक इंट्रोडक्शन को समझते हैं। तो गाइस सेकंड पॉइंट में आप अपने पॉइंट्स को, अपने टॉपिक को अच्छे से डिस्क्राइब करो। इससे ये होगा कि आपके कॉन्टेंट से रिलेटेड आपके व्यूअर को स्टार्टिंग में ही उसके प्रॉब्लम के बारे में पता चल जाएगा और उन्हें ये लगना भी चाहिए कि इस वीडियो में आप उनके क्वेश्चन का, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाले हो। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ, मेन कंटेंट। इस पार्ट में आप अपने टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे, आप अपने टॉपिक के सारे एंगल्स को कवर करें और अपने ऑडियंस को उसके बारे में हर तरह की जानकारी दें। आप अपने वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपने ऑडियंस के लिए एग्जाम्पल्स और स्टोरीज के हेल्प ले सकते हैं। और गाइस अब समझते हैं अपना फोर्थ पॉइंट, कॉन्क्लूजन। इस पार्ट में आप अपने वीडियो को रैपअप करेंगे, आप अपने टॉपिक के समरी को कवर करें और अपने ऑडियंस को एक मैसेज भी दे सकते हैं। जो भी आपका टॉपिक है, आपका क्वेश्चन है, आपका प्रॉब्लम है, उन सभी को समझते हुए आप अपने ऑडियंस को एक मैसेज भी दे सकते हैं जो उनके लिए बेस्ट हो। और कुछ आप अपने सवालों का जवाब भी मांग सकते हो कॉमेंट्स के थ्रू। तो गाइस फिफ्थ पॉइंट है हमारा कॉल टू एक्शन, जो कि स्क्रिप्ट राइटिंग का लास्ट पार्ट है। वीडियो के एंड में अपने ऑडियंस से एक कॉल टू एक्शन भी दे सकते हैं। आप उन्हें अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, या अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई और वीडियो है जिससे ऑडियंस को और इन्फॉर्मेटिव मैसेज मिले, उस वीडियो को देखने के लिए भी आप बता सकते हैं। या फिर सोशल मीडिया साइट्स पे फॉलो करने के लिए आप अपने ऑडियंस को इनकरेज कर सकते हैं। और गाइस एक बोनस पॉइंट है आपके लिए मेरी तरफ से, अगर आप बार बार परेशान हो चुके हैं अपने डायरी कॉपी में लिखते हुए अपने स्क्रिप्ट राइटिंग को, इट मीन्स आपने जो अभी लिखा है, हो सकता है बाद में आपने आपके माइंड में कोई नया आइडिया आया हो जो आपको ये लगे कि पहले से ज़्यादा बेटर रहिए, तो इस चक्कर को आप मतलब रिकरेक्ट करते करते आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं गूगल कीप को, जो गूगल प्रोवाइड करता है हमें, उनका वेबसाइट है गूगल कीप। इसे पर्सनली मैं भी यूज़ करता हूँ। इसमें आप अपने स्क्रिप्ट राइटिंग वन टाइम लिखेंगे और कोई सा भी पॉइंट कहीं से भी ऐड और रिमूव कर सकते हैं। इट मीन्स अगर आपने स्क्रिप्ट राइटिंग कंप्लीट तैयार कर ली और आपको लगता है बीच में कि मुझे ये पार्ट ऐड करना चाहिए, तो वो आप वहीं पे एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कुछ रिमूव करना है तो आप वहीं से उसे रिमूव भी कर सकते हैं इजीली। और इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से लॉगिन साइन अप भी कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा कुछ बेसिक टिप्स अपने वीडियो स्क्रिप्ट राइटिंग को परफेक्टली राइट करने के लिए। याद रहे आपका वीडियो स्क्रिप्ट आपकी वीडियो क्वालिटी को डिटरमाइन करता है, इसलिए एक अच्छा स्क्रिप्ट लिखने के लिए टाइम और रिसर्च इन्वेस्ट करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट स्क्रिप्ट राइटिंग बाय मी। तो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं अपने अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए आपको टाटा बाय बाय।